एक सैलाब रवा इस्लाम के मीनारा है और इल्म की दुनिया का सोफा बारौनक एक सितारा है। इस बज़्म में मोहम्मद में यारो कुरान पढ़ाया जाता है। सरकार दो आलम मदनी का फरमान पढ़ाया जाता है। तफसीर कुरान और आका के अखलाक सिखाए जाते हैं। इस बज़्म में इंसान से कामिल इंसान बनाए जाते हैं। आज काफी अरसे के बाद एक बार फिर हजरत वाला दामत बरकातुम की यहाँ आमद पर हम सब निहायत खुशी और मसर्रत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाते हैं। दरअसल हजरत वाला दामत बरकातुम अलालिया की आमद सिर्फ एक शख्सियत की आमद नहीं बल्कि सच्ची बात तो यह है कि एक बार फिर मुतकद्दिमीन अकाबिर देवबंद की रिवायात की आमद है। हकीम उल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिसुल असर अल्लामा ज़फ़र अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और अपने निहायत अज़ीम उश्शान रफ़ीउल क़दर और जलीलुल क़दर अजीम वालिद माजिद बानी मादर इल्मी जामिया दारुल उलूम कराची मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की इल्मी फ़िक्ही रूहानी रिवायात के हामिल और अमीन इमाम मुहम्मद ज़माना मुफस्सिर क़ुरान शारह सही बुखारी सही मुस्लिम व सुनन तिर्मिज़ी फ़कीह उल असर फ़कीह कामिल रईसुल फ़ुकहा वल मुहद्दिसीन और सच ये है हमें अपनी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ और महबूब तरीन उस्ताद व शेख मोहतरम कुर्रतु आईनी वकल्बी नायब रईस मादर इल्मी जामिया दारुल उलूम कराची शेखुल इस्लामी वल मुस्लिमीन हजरत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी अतालल्लाहु अम्रहु की खिदमत अक़दस में गुजारिश है कि अपने दरसो बयान के साथ आज अपनी दुआ से जामिया सुफ़ा में तख़स्सुस फ़िल इफ्ताह का भी इफ्तिताह फरमा दें और अपने यहाँ के खुद्दाम असातज़ा और तलबा को इजाज़त हदीस के साथ साथ अपने कीमती नसाए से भी मुस्तफ़ीद फरमाएँ। हज़रत अक़दस हज़रत वाला दामत बरकातुम अलालिया, ये मेरे लिए बहुत मसर्रत का मौका है कि आज इस मुबारक मदरसे में जो सारे मदारिस की जो माँ है उम्मुल मदारिस यानी सुफ़ा उसके नाम पर कायम होने वाले इस जामिया में अल्लाह तबारक व ताला ने हाज़िरी की तौफीक अता फरमाई और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिया को हर एतबार से रूब तरक्की पाया। अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल व करम से इसको दिन दूनी रात चौगनी तरक्यात ज़ाहरा व बातिना अता फरमाए। मैं मौलाना क़ारी हक़ नवाज़ साहब दामत बरकातुहुम और उनके काबिल फ़ख्र फ़र्ज़ंद मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर हक़ नवाज़ साहब को
तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी जोहद मुसलसल से अल्लाह तबारक व ताला ने इस जामिया को पाकिस्तान के नुमाया जामियात में एक मुअज्जज मकाम अता फरमाया। और बड़ी मसर्रत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के फुजला ने और यहाँ के तलबा ने विफाकुल मदारिस अल अरबिया के इम्तिहानात में नुमाया पोजीशनें हासिल की, और इस एतबार से हम सब के लिए ये काबिल फख्र जामिया है। तालीम के जज्बे से आए मौलाना हक नवाज यहाँ, और उनके दस्तो बाजु बने थे मौलाना एजाज यहाँ, और मुफ्त जुबेर बेकाबिल हैं अब उनके एक फर्जंद यहाँ, दिन रात के जिनकी मेहनत से हाँ सुफा है देवबंद यहाँ। लासानी सब उस्ताद यहाँ, हाँ अब्दुल मालिक आज यहाँ है, अल मुअम्मल के सिराज यहाँ, मौलाना शफी दरवेश खुदा और मुफ्ती अब्द वकील यहाँ, एक एक मुदर्रिस जामिया का है इल्म का बहरे नील यहाँ। मौलाना फिदाउल्लाह तो है अल्लाह का एक इनाम यहाँ है, जिनकी मेहनत से कायम तालीम का एक निजाम यहाँ, इस जामिया सोफा का हर एक उस्ताद बना एक पीर मुगा, अल्फाज में क्या तारीफ करूं, दीवाना है इनका कसीर जहां।